अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काविश मेमन। हालात इंतहाई ख़राब हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने आज अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया, आगाज़ जुम्मतुल मुबारक के बाद किया। और ये प्लान था क्योंकि दो दिन की डेडलाइन दी गई थी और कहा गया था कि हमारे मुतालबा तस्लीम करो, अगर नहीं करते तो फिर हम इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। हुकूमत ने इस मार्च से निमटने के लिए जो इकदाम थे वो कर लिए थे, मतलब कि जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए थे। अब उन रूट्स पर कंटेनर्स लगा दिए थे जहाँ से ये लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना था, यानी कि जो यतीम खाना चौक है उसके अतराफ़ में कंटेनर्स लगा के मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। इसके साथ साथ जो फैज़ाबाद है, यानी कि इस्लामाबाद जब इस लॉन्ग मार्च को जाना था तो वहाँ पर उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। और एक मतलब कि ये प्लान था हुकूमत का कि किसी भी तौर पर इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद नहीं जाने देना। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या वजह है कि एहतजाज से क्यों रोका जा रहा है, जब हुकूमत खुद ये कहती है, प्राइम मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि भाई एहतजाज करना जमहूरी हक है, तो पर आप क्यों रोक रहे हो भाई? ये तो फिर आप आमराना इकदाम कर रहे हो, और आमराना दौर में भी शायद ऐसा ना होता कि आप एहतजाज से रोक रहे हो, आप जमहूरी हक से रोक रहे हो। कैसी जमहूरियत है ये? तो तहरीक लबैक पाकिस्तान को एहतजाज से रोका गया है। अभी जो मेरे पास खबरें आ रही हैं नाज़रीन, अगर वो मैं आपको बता दूँ तो फिर मैं समझता हूँ कि क़यामत आ जाएगी इस मुल्क में। इंतहाई दर्दनाक खबरें आ रही हैं, इंतहाई अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। मैंने पहले कहा था कि हुकूमत को चाहिए, और सब ये कह रहे थे कि भाई हुकूमत जब तहरीक लबैक पाकिस्तान ने दरवाजे खोले हुए और वो कह रहे हैं कि हमसे मुज़ाकरात करो, तो क्यों नहीं जा रही हुकूमत मुज़ाकरात के लिए? आज जब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तब ये लोग मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, तब बुज़ार साहब ट्वीट कर रहे हैं कि हम लोग ने जो है वो कमेटी बना दी, अब मुज़ाकरात करेंगे। अब कौन से मुज़ाकरात होंगे भाई? अब कौन से मुज़ाकरात करोगे? अब जब पानी सर से गुजर गया अब तब मुज़ाकरात की बात कर रहे हो? अब मुमकिन ही नहीं है मुज़ाकरात। अब आपने मुतालबा तस्लीम करने पड़ेंगे। अब साद हसन रिज़वी वो कह रहे हैं जब तक साद हसन रिज़वी को आप रिहा नहीं करते, अदालत के ऑर्डर से रिहा करो, आप रिहा नहीं करते तब तक कोई बात नहीं होगी। अब क्या करोगे? मुल्क भर में इस वक्त धरने शुरू हो गए हैं। यतीम खाना चौक पर धरना जारी था, लेकिन अब पूरे मुल्क में धरने शुरू हो गए हैं। मुझे कराची से इतलात आ रही है, कराची के बेशतर मकाम पर TLP के कारकुनान जो हमें शराब पैदे जा रहे हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। ट्रैफिक का जो निज़ाम है, आप जानते हैं कि एम्प्रेस मार्केट पर आज जो वो PDM भी एहतजाज कर रही थी, उस वजह से भी ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरीके से मफलूज हुआ है। अब अगर तरीके लबैक भी सड़कों पर निकल आ जाती है तो मुझे नहीं पता क्या हालात होंगे। इसके साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज शुरू हो गया है। इस्लामाबाद से भी इतलात आ रही है कि चंद एक मकाम पर वहाँ भी जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क के दीगर शहरों में भी जो है वो एहतजाज का सिलसिला तेज़ी के साथ ये फैलाव हो रहा है। और इस बात का खर्चा था कि अगर हुकूमत रोकती है, और हुकूमत को रोकना नहीं चाहिए था, हुकूमत का काम था मुज़ाकरात करना, हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं करे। जब मुज़ाकरात नहीं करे तो फिर आप किस मुंह से रोक रहे हो? आपने फिर तो ये आपने खुद इजाज़त दी ना कि जाओ इस्लामाबाद जाओ, फिर हम आएंगे आपसे। तो जब ये लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं एक पुरमन अंदाज में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हंगामा आ रहा है, ये पुरमन अंदाज में जा रहे हैं। हाँ, जहाँ जहाँ कंटेनर थे वहाँ हटाएगा कंटेनर, क्योंकि जा रहे उन्होंने इस्लामाबाद पहुँचना था तो रिकावट तो हटानी थी। आपने पूरे शहर को, लाहौर शहर को जो है मफलूज कर दिया, हज़ारों की तादाद में आपने कंटेनर्स लगा दिए। आज बच्चे स्कूल नहीं जा सके, आप तरीके लबैक पर एग्ज़ाम डाल रहे हैं कि इनकी वजह से नहीं जाते। ओ भाई, आपने पूरा शहर बंद कर दिया, आपने पूरे शहर में कंटेनर्स लगा दिए, आप कह रहे हो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, आपकी गलती की वजह से ना, आपने पूरे शहर में कंटेनर लगा दिया। तहरीक लबैक ने तो किसी को नहीं रोका, सब जा रहे हैं, सारे मामलों से ज़िंदगी चल रही है, आपकी वजह से। रियासत की ज़िम्मेदारी है, मैं समझता हूँ रियासत की ज़िम्मेदारी कि क्यों बच्चों को स्कूल जाने से रोका गया, क्यों कंटेनर्स लगाए गए, क्यों 11 बजे बच्चों को छुट्टी दे दी गई स्कूल से, तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। फिर दो दिन से लाहौर शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो जज़वी तौर पर बंद है। दो दिन से लाहौर शहर में इंटरनेट सर्विस जो जिसकी जिससे सारे काम चलते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। किस लिए? कि भाई तहरीक लबैक को रोकना है भाई। ऐसे रोकोगे तहरीक लबैक को? मतलब थोड़ी सी अकल को, रियासत हो आप भाई, आप रियासत हो, रियासत का काम है सारे मामलों को चलाना, क्या कर रहे हो भाई? आज पूरे मुल्क में आग लग चुकी है नाज़रीन। इस वक्त मेरे पास इतलात आ रही है कि तहरीक लबैक के मार्च को किसी एक मकाम पर रोक लिया गया, और वहाँ पर शेलिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से, बदतरीन शेलिंग की जा रही है। उसमें जो आज तक मेरे पास इतलात है उसके मुताबिक 20 के करीब जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं वो ज़ख्मी हो गए, और अभी तक कॉल नहीं आई है। मतलब जो उनके लीडरान हैं अभी तक कॉल नहीं थी कि मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर दिया जाए, हालाँकि वो पहले कह रहे थे कि अगर हमें रोका गया तो फिर हम मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देंगे। अभी तक कोई कॉल नहीं आई है, वो कॉल क्या आती है वो तो देखना बाकी है, लेकिन उनके कॉल देने से पहले ही इस वक्त मुल्क भर में जो है वो धरने शुरू हो गए, मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज की अपडेट्स आ रही है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एहतजाज शुरू हो गया है, और बदतरीन इस वक्त शेलिंग की जा रही है, बदतरीन जो है वो इस वक्त लाठी चार्ज की भी इतलात आ रही है। तो ये जुल्म है, मैं समझता हूँ जुल्म है। आप अपने ही लोगों को मार रहे हो, आप अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहे हो। उनका एक मुतालबा क्या है? चले आप फ्रांस के सफीर का जो मामला है आपने मुआहदा किया, आप हट गए, अब क्या आप कह रहे हैं कि हमारे यूरोप के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे? आपका एक मौकफ़ आ गया, आप TLP से जाके बात करें। भाई आपने मुआहदा किया था ना, गलती आपके मुआहदा क्यों किया था? आपको पहले नहीं पता था
कि अगर हम वायदा कर रहे हैं और बाद में हम पूरा नहीं करेंगे तो फिर मामला ख़राब। जो भी आप अभी मंतक पेश कर रहे हैं, पहले क्यों किया वायदा भाई, नहीं करते वायदा। आपने वायदा किया आपकी खुद की गलती है, जब आपको ये सारी सरकमस्टेंसेस से पता था कि क्या होंगे, आपको पता था तरीके लबैक पाकिस्तान बाहर निकलेगी और फिर हम क्या करेंगे, तो आपने ये सारी चीज़ें सोची नहीं, आपने वायदा कर लिया टेम्प्ररी, यार उस वक्त डरना ख़त्म हो जाए, उस वक्त हालात बेहतर हो जाए। आज पूरे मुल्क में एक बार फिर आग लग गई है, आप कैसे बुझाएंगे इस आग को, कर्फ्यू लगाएंगे क्या, क्या करेंगे, कारकुनान को बंद करेंगे। ये फिर मैं कह रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आप कर भी लेते हैं तो फिर टेम्प्ररी है, फिर कुछ माह बाद कुछ दिनों बाद आपको इनको रिहा करना पड़ेगा, आपने को जो है वो सारे मामला करने पड़ेंगे, फिर कुछ टाइम बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो खुदा का वास्ता है, रियासत की जिम्मेदारी के इस तरह के इकदाम ना करें, और जहाँ तक अल्लामा साद की रिजवी की गिरफ्तारी रिहाई की बात है तो आप उनको रिहा करें। मैं समझता हूँ जब अदालत के ऑर्डर आ गए, क्या पता आप उनको रिहा करें, आप उनका एक मुतालबा तो तस्लीम करें, आप रिहा करें, क्या पता वो आपकी बात मान जाए। भाई बात करने से ही तो बात बनती है ना, आप डायलॉग्स करेंगे तो बात बनेगी, आप कहें नहीं हमें बात ही नहीं करनी तो फिर ऐसा तो नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई तहरीक लबैक के एहतजाज से मुतालिक, लॉन्ग मार्च से मुतालिक जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपको देता रहूँगा। आज की अपडेट्स यही है कि भाई इस वक्त लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया, लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जानब गामजन है, कारकुन पर जोश है, इस वक्त कारकुनों में जो जोश और जज्बा है वो बिल्कुल जो है वो काबिले दीद है, और वो किसी सूरत वो जो है रुकने के लिए तैयार नहीं है। रियासत रोक रही है कि हम इस्लामाबाद नहीं जाने देंगे, पुलिस रोक रही है कि हम इस्लामाबाद नहीं जाने देंगे, रेंजर्स रोक रही है कि हम इस्लामाबाद नहीं जाने देंगे, लेकिन कारकुनान रुकने के लिए तैयार नहीं। कारकुनान कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, अपना हक लेंगे, जो हमारे मुतालबात है उसको तस्लीम करवा कर ही वापसी आएंगे। तो अभी तक की तो अपडेट चाहिए कि मुल्क भर में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, देखते हैं कि ये एहतजाज कहाँ तक जाता है, क्या आगे का लायामल होता है, इंशाल्लाह आपको अपडेट्स करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ फौरी तौर पर मिल सकें। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।